हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस के टर्म 2 में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आंसर्स। व्यूवर्स, इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं आज हम, वो सभी क्वेश्चंस सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो एग्जाम में जाने से पहले इन क्वेश्चंस को जरूर रीड कर लीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर इंस्टीट्यूशंस? इंस्टीट्यूशंस क्या हैं? आंसर इज द अरेंजमेंट विच आर मेड इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज टू रन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को चलाने के लिए जो अरेंजमेंट्स होते हैं किए जाते हैं उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशंस। और इंडिया के अंदर तीन बेसिस हैं। फर्स्ट इज लेजिस्लेटर, सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज जुडिशरी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी तीन बेसिस हैं इंस्टीट्यूशंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय ऑफिस मेमोरेंडम? ऑफिस मेमोरेंडम का क्या मतलब है? आंसर इज इट एक्सप्लेन्स द पॉलिसी और डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट इशूड बाय अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। जो पर्टिकुलर अथॉरिटी है उसकी पॉलिसीज और डिसीजंस को एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूशन कैन मेक चेंजेस टू एन एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ द कंट्री? कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो लॉ के अंदर चेंजेस कर सकता है? आंसर इज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी ऑफ मेकिंग न्यू लॉज एंड इट कैन ब्रिंग चेंज और एबॉलिश द एग्जिस्टिंग लॉ। नया लॉ भी बनाती है पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं, और वही जो है चेंजेस लाना हो कोई तो चेंजेस भी ला सकते हैं, और इवन कोई लॉ अगर लगता है कि फेवर में नहीं है सिटीजन्स के तो उस लॉ को एबॉलिश भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु आर कैबिनेट मिनिस्टर्स? आंसर इज टॉप लेवल लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी के जो लीडर्स होते हैं वो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, जिनको डिफरेंट डिफरेंट कैबिनेट दिया जाता है संभालने के लिए। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, ये इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, तो ये कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की क्या रिक्वायरमेंट है? आंसर इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज एंड सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन्स। गवर्नमेंट का क्या काम है? कि गवर्नमेंट सिटीजन्स की एजुकेशन को इंश्योर करे, हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करे और सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। तो इन सब कामों को करने के लिए क्या चाहिए? प्रॉपर अरेंजमेंट्स चाहिए, सो द इंस्टीट्यूशंस आर नीडेड। तो फर्स्ट पॉइंट इज टू ensure security, education and health facilities of citizens of India, institutions are needed. Second is institutions formulate and implement several welfare schemes for citizens of India. अगर किसी चीज़ में कोई स्कीम निकालने की ज़रूरत है, जैसे मिड डे मील की स्कीम हो गई या जॉब प्रोविज़न हो गया, मनरेगा स्कीम हो गई रूरल एरियाज के लिए, इस टाइप की जो स्कीम्स रिक्वायर्ड होती हैं वो स्कीम्स भी कौन फॉर्मुलेट करता है? इंस्टीट्यूशंस ही फॉर्मुलेट करते हैं और इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ही वो इम्प्लीमेंट की जाती हैं। तो ये सब काम कौन देखेगा? इंस्टीट्यूशंस। दैट इज व्हाई इंस्टीट्यूशंस आर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज द लोकसभा मोर पावरफुल देन राज्यसभा? लोकसभा राज्यसभा से ज्यादा पावरफुल कैसे है? आंसर इज फर्स्ट पॉइंट इज लोकसभा हैज द पावर इन मनी मैटर्स। मनी मैटर्स जो है वो लोकसभा ही संभालती है। वंस द लोकसभा पासिस द लॉ कंसर्निंग मनी मैटर्स, राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट। राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती, उसे डिले कर सकती है बाय 14 डेज, बट उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती। सजेस्ट कर सकती है कोई चेंजेस लाने हैं तो चेंजेस ला सकती के लिए सजेशन दे सकती है। और ये लोकसभा भाग के मेंबर्स पे डिपेंड करता है कि वो उन सजेशंस को एक्सेप्ट करते हैं या उसको रिजेक्ट करते हैं। तो मेन पावर किसके पास है? लोकसभा के मेंबर्स के पावर, मनी मैटर से रिलेटेड जो पावर है लोकसभा के पास है। नेक्स्ट इज लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को संभालती है। अगर लोकसभा कॉन्फिडेंस लूज कर दे, नो कॉन्फिडेंस रूल कर दे कि भाई हमें कॉन्फिडेंस नहीं है
मिनिस्टर्स के ऊपर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर, तो पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना होता है, इवन प्राइम मिनिस्टर को भी। तो लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी कंट्रोल करती है। तो ये दो मेन फंक्शन है लोकसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एनी थ्री कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन द पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट अगर बनती है तो प्राइम मिनिस्टर की कैसे पावर होती है? आंसर इज ही कैन नॉट टेक डिसीजन ऑन हिज ओन, अपने आप नहीं ले सकता, क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, जहाँ पर एक पार्टी रूल नहीं करती है, दो तीन डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज कोलिजन करके मिलजुल कर सरकार बनाते हैं, मिली जुली सरकार जिसे कहते हैं। तो सिर्फ एक ही जो लीडर है वो डिसीजन नहीं ले सकता, उसको सभी पार्टीज के मेंबर्स का जो कॉन्सेंट है वो लेना होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ही हैज टू एकोमोडेट द मेंबर्स ऑफ कॉलिजन पार्टी एज वेल एज द मेंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी। जब वो काउंसिल बनाएगा तो उस समय में उसको अपनी पार्टी के मेंबर्स को भी एकोमोडेट करना पड़ेगा, और साथ में ही जो कॉलिजन पार्टीज हैं उनके मेंबर्स को भी देखना पड़ेगा, उन्हें भी ध्यान में रखकर काउंसिल बनाना होगा। नेक्स्ट इज ही हैज ऑल्सो टू कंसिडर द व्यूज एंड पोजिशन ऑफ कॉलिशन पार्टनर्स एंड अदर पार्टीज ऑन हुम सपोर्ट द सर्वाइवल ऑफ द गवर्नमेंट डिपेंड्स। सर्वाइवल ऑफ गवर्नमेंट डिपेंड करता है कॉलिजन पर, कि अगर जो सेकेंड पार्टी है जिनके साथ में सरकार बनी है मिलकर, तो अगर वो पार्टी के मेंबर्स उनको सपोर्ट नहीं करते हैं या किसी पर्टिकुलर डिसीजन पर अपना कॉन्सेंट नहीं देते हैं, तो वो पार्टी जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो इसलिए जो प्राइम मिनिस्टर है उसको सभी के व्यूज को और कॉन्सेंट को ध्यान में रखकर ही काम करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज मंडल कमीशन डिस्प्यूट। मंडल कमीशन डिस्प्यूट कहता हाउ वाज इट रिजॉल्व, और ये कैसे रिजॉल्व हुआ। द मंडल कमीशन वॉज रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। मंडल कमीशन क्या था, ये रिजर्वेशन इसने डिसाइड किया था फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है। तो इट बिकेम अ डिबेटेबल इशू, डिबेटेबल बन गया। क्यों डिबेटेबल बन गया? बिकॉज पीपल फेल्ट दैट इट वॉज अनफेयर एज इट डिनाई इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू दोज हु डिड नॉट बिलोंग टू बैकवर्ड कम्युनिटीज। जो बैकवर्ड कम्युनिटीज को बिलोंग नहीं करते उनके साथ में अनफेयर होगा, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। तो ये जो मैटर था ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किया, जिसकी वजह से ये जो डिस्प्यूट था वो रिजॉल्व हो सका। वट मॉडिफिकेशन वॉज डन, मॉडिफिकेशन मेड बाय द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ब्रॉट द डिस्प्यूट टू एन एंड। सुप्रीम कोर्ट सेड दैट वेल टू डू पीपल अमंग द बैकवर्ड क्लासेस शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन। रिजर्वेशन के जो बेनिफिट्स हैं वो उनको नहीं लेने चाहिए, जो वेल टू डू फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, जिनके मतलब बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं लेकिन फैमिलीज जो हैं वेल टू डू हैं, अच्छे खासे रेप्यूटेड फैमिलीज हैं, उनकी अर्निंग्स जो है अच्छी खासी हैं, तो वो रिजर्वेशन क्लास में नहीं आएंगे, उनको किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। तो इस मॉडिफिकेशन के साथ में इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट के क्या फंक्शंस हैं? फर्स्ट इज द पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी ऑफ मेकिंग लॉज। लॉज बनाने की जो अथॉरिटी है पार्लियामेंट के पास है, क्योंकि पार्लियामेंट में कौन होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। तो पार्लियामेंट के पास ही अथॉरिटी होती है लॉ मेकिंग की। नेक्स्ट इज इट इज द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन डिबेट्स एंड डेलिब्रेशन ऑफ पब्लिक एंड नेशनल पॉलिसीज। पब्लिक पॉलिसीज पब्लिक इश्यूज कोई हुए या नेशनल पॉलिसीज हुई, तो उसके ऊपर डिस्कशन करना है, कोई डिबेट करना है या कोई डिसीजन लेना है, तो ये सारा काम जो होता है ये पार्लियामेंट में होता है। नेक्स्ट इज इट कैन क्वेश्चन द गवर्नमेंट ऑन एनी मैटर। अगर गवर्नमेंट जो रूलिंग पार्टी की गवर्नमेंट है उसकी वर्किंग में अगर कोई संदेह है, कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, तो जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं वो क्वेश्चन कर सकते हैं और गवर्नमेंट को आंसर करना होगा।
नेक्स्ट इज इट परफॉर्म्स द इलेक्टोरल फंक्शंस ऑफ इलेक्टिंग प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का काम भी किसका है पार्लियामेंट का है. नेक्स्ट इज इट हैज़ द पावर टू डिसॉल्व द गवर्नमेंट. अगर पार्लियामेंट नो कॉन्फिडेंस निकाल दे नो कॉन्फिडेंस शो करे अपना पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के मेंबर्स तो जो मिनिस्ट्री है वो डिसॉल्व हो जाती है. नेक्स्ट इज इट कंट्रोल्स मनी मैटर्स ऑफ द नेशन. नेशन से रिलेटेड जितने भी मनी मैटर्स हैं वो पार्लियामेंट के मेंबर्स ही डिसाइड करते हैं. नेक्स्ट इज इट हैज द पावर टू रिमूव प्रेसिडेंट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस और प्रेसिडेंट इन सबको रिमूव करने की पावर भी पार्लियामेंट के मेंबर्स के पास ही होती है. जिस डिसीजन के ऊपर मेजोरिटी होगी मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स होगी वही डिसीजन लिया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन हो गए जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट और जितने भी मिनिस्टर्स हो गए कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह ये सब हो गए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स. अब परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में होते हैं जैसे कि आईपीएस ऑफिसर्स आईएएस ऑफिसर्स ये सब कौन है परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं. ठीक है तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है तो इसमें क्या डिफरेंस है. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. टेन्योर होता है टाइम टेन्योर होता है इनका 5 ईयर का टेन्योर होता है. दे आर आंसरेबल टू द पीपल फॉर देयर एक्शंस और जो भी काम वो करते हैं तो उसके लिए वो आंसरेबल होते हैं. सिटीजन उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड टेक ऑल द फाइनल डिसीजन एंड आर मोर पावरफुल. पावरफुल ज्यादा पावरफुल होते हैं जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनसे ज्यादा पावरफुल होते हैं लेकिन पीपल को आंसरेबल होते हैं सिटीजन्स के लिए आंसरेबल होते हैं और सिटीजन्स के लिए जो डिसीजन लेने होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स लेते हैं. अब आते हैं हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स पे. परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स क्या होते हैं यार द सिविल सर्वेंट्स होते हैं अपॉइंटेड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. इनका जो टाइम पीरियड होता है ज़्यादा होता है क्योंकि एक बार आईएएस ऑफिसर बन गए तो बस ठीक है अपना 60 और 65 ईयर्स के लिए वो बन गए जब तक कि उनकी एज इतनी नहीं होती उससे पहले वो रिटायर नहीं होते ठीक है ना. और दे रिमेन इन ऑफिस इवन वेन द रूलिंग पार्टी चेंजेस. अब पॉलिटिकल लीडर चेंज भी होते रहे उससे उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता वो तो अपनी सर्विस में रहेंगे अपने टाइम पीरियड तक ठीक है ना. दे आर नॉट आंसरेबल टू पीपल और वो कोई आंसरेबल भी नहीं होते क्योंकि वो तो वही काम कर रहे होते हैं जो उनको मिला होता है. पॉलिटिकल लीडर्स की तरह से वो सिटीजन्स के लिए कोई डिसीजन नहीं ले रहे होते हैं वो सिर्फ उन पॉलिसीज को उन डिसीजंस को फॉलो कर रहे होते हैं ठीक है. नेक्स्ट इज दे आर लेस पावरफुल देन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के पास में जो पावर्स होती हैं उससे कम पावर होती हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स के पास क्योंकि वो सिर्फ अपना एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क संभाल रहे होते हैं. तो ये डिफरेंस है परमानेंट एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. जस्टिफाई द स्टेटमेंट कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो गवर्नमेंट का हेड होता है. आंसर इज प्राइम मिनिस्टर लीड्स द मेजोरिटी पार्टी इन द पार्लियामेंट. जो जो पार्टी मेजोरिटी में आती है वही गवर्नमेंट बनाती है तो मेजोरिटी पार्टी होती है पार्लियामेंट की. ही समन्स एंड प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट. कैबिनेट की जो मीटिंग्स होती हैं उनको बुलाता है और उनको अरेंज करता है. ही चूजेस हिज मिनिस्टर्स एंड कैन चेंज देयर पोर्टफोलियोज. चीफ मिनिस्टर ही सॉरी प्राइम मिनिस्टर ही अपने मिनिस्टर्स को चूज करता है और उनके पोर्टफोलियोज को चेंज भी कर सकता है. हिज कैबिनेट टेक डिसीजन अंडर हिज लीडरशिप एंड कॉन्सेंट. उसके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो उसी के कॉन्सेंट पर और उसी के अंडर में अपने डिसीजंस लेते हैं. तो ये प्राइम मिनिस्टर के फंक्शंस
फंक्शंस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की क्या पावर्स है? प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कमांडर है डिफेंस फोर्स का। नेक्स्ट इज ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स आर मेड इन हिज नेम। जितने भी ट्रीटीज होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं कंट्रीज के साथ में, वो उसी के नाम पर किए जाते हैं। ऑल द मेजर अपॉइंटमेंट्स आर मेड इन हिज नेम। जितने भी अपॉइंटमेंट्स किए जाते हैं वो सभी उसी के नाम पर होते हैं। न्यू लॉज केम इन टू एक्शन आफ्टर द कॉन्सेंट ऑफ प्रेजिडेंट। कोई भी बिल पास होना होता है पार्लियामेंट के अंदर, तो पार्लियामेंट से जब वो पास हो जाता है तो वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, और जब तक प्रेसिडेंट उसको साइन नहीं कर देते तब तक वो जो बिल है वो लॉ नहीं बनता। तो प्रेसिडेंट के कॉन्सेंट पर ही कोई बिल लॉ में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट इज ही सुपरवाइजेस ऑल फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको सुपरवाइज करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही दूसरी वीडियोस देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डिफरेंट वीडियोस देख सकते हैं, डिफरेंट क्लासेस के वीडियोस भी देख सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।